हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियतिस किचन। नियतिस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही यूनिक ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिसका नाम है क्रीमी कॉर्न एंड स्पिनच विद गार्लिक ब्रेड। ये इतनी टेस्टी बनती है और इसे बनाना इतना आसान है कि एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए इस टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी में मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, कितने क्वांटिटी में यूज़ किए हैं, वो सब मैंने इस इमेज में दिया है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा बोल पालक का। एक बड़ी बोल लेंगे, उसमें पालक को अच्छे से धो के कट कर लेंगे। उसके बाद लिया है एक कप कॉर्न मकई। आप कोई भी नॉर्मल घर में कटोरी हो उससे भी आप मेजर कर सकते हैं। तो पालक को आपको करना है पारबॉइल और कॉर्न को करना है बॉइल। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बर्तन और उसमें मैं ऐड कर दूंगी 3 कप पानी। मैं इसमें पहले पालक को पारबॉइल करने वाली हूँ। पारबॉइल मतलब आपको करना है क्या कि पानी को रख देना है, बॉईल होने देना है। जब पानी बॉईल हो जाए तब उसमें सब्जियों को डालिए, 5 मिनट रखिए, फिर निकाल लीजिए। इसे कहते हैं पारबॉइल। पालक में ऑलरेडी नमक होता है इसीलिए मैंने पानी में नमक नहीं डाला है। तो आप अगर कप से देखेंगे, आप मेजर करके, तो आप देख सकते हैं आपका 2 बड़े कप भर के पालक यहाँ पे हुआ है। तो मैंने इसको पानी में डाल लिया है। 2 से 3 मिनट या 5 मिनट रखेंगे, फिर पालक को हम निकाल देंगे, आप देख सकते हैं। और फिर उसी पानी में, जब पालक को निकाल लेंगे, फिर उसी पानी में हम अपने कॉर्न को डाल के बॉइल कर लेंगे और दोनों को ही निकाल के साइड में रख लेंगे। और इस पानी को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, प्लीज़ फेंकिएगा नहीं। तो चलिए अब बना लेते हैं व्हाइट सॉस, जिसके लिए मैंने लिया है एक बर्तन। उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल का, फिर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बटर का। मैंने यहाँ पे होममेड बटर लिया है जिसे मैंने घर में ही प्रिपेयर किया है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी पिछले बार तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल है कि आप एक ही बार की मलाई से बटर, घी और पनीर कैसे निकाल सकते हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और हम यहाँ पे व्हाइट सॉस बना रहे हैं, तो व्हाइट सॉस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप बटर का इस्तेमाल करें तो पहले ऑयल ज़रूर डालें, वरना आपका बटर जल सकता है। और जब भी व्हाइट सॉस बनाए तो उसमें ऑयल और बटर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका व्हाइट सॉस बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं यहाँ पे गार्लिक फ्लेवर का बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरह की लहसुन को, 4-5 लहसुन को मैंने अच्छे से बारीक कट करके ले लिया है। अब इसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे बटर वाले मिक्सचर में और अच्छे से कर लेंगे सॉटे। और हमें अपने गार्लिक को लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत हल्का सा कलर बदल जाए लहसुन का, तब तक हमें इसको इसमें सॉटे कर लेना है। तो मैंने सॉटे कर लिया है, मैं अगर आप देख पा रहे होंगे तो ठीक है, वरना एकदम लाइट हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हमें ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप, 1 चम्मच मतलब मैंने इसमें मैदा लिया है और 2 चम्मच मैंने इसमें आटा लिया है, नॉर्मल घर में जो स्पून होता है उससे। तो पूरा ये मिला के 1/4 कप जितना हुआ है। तो अब इस आटे को क्या करना है कि अपने ड्राई मिक्सचर को अपने बटर वाले और लहसुन वाले मिक्सचर में धीरे धीरे करके आपको ऐड करना है। लम्ब्स बिल्कुल नहीं बनने चाहिए, जैसे जैसे मैं ऐड कर रही हूँ धीरे धीरे आपको मिक्स करना है ताकि लम्ब्स ना बने। ऐसे आप देख सकते हैं, इसी तरह से आपको मिक्स करके सॉटे करना है और हल्का सा इसको भूनना है, बहुत नहीं भूनना, थोड़ा सा भूनना है क्योंकि हमें वाइट कलर चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो इतना आप देख सकते हैं, इतनी ही देर आपको खाली पकाना है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है दूध। अब दूध को भी हमें धीरे धीरे ऐड करना है ताकि लम्ब्स ना बने, जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में, इसी तरह से आपको ऐड करना है। तो लम्ब्स नहीं बने ऐसे आपको ऐड करना है। पूरा मैंने इसमें 1.5 कप दूध ऐड किया है, आप देख सकते हैं, पहले 1 कप ऐड किया और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जो पालक से पानी बचा हुआ था उसको ऐड करूँगी 1/2 कप और अच्छे से हमारा व्हाइट सॉस बना लेंगे। आप देख सकते हैं विदाउट लम्ब्स हमारा व्हाइट सॉस रेडी है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ कुटी हुई काले मिर्च का पाउडर। ब्लैक पेपर मैंने फ्रेशली लिया और उसको क्रश कर लिया अच्छे से, और उसका पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच, और फिर अच्छे से कर देंगे इसको मिक्स। कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है, वो आपके ऊपर है। आप बहुत गाढ़ा और बहुत पतला भी रख सकते हैं। अगर आपको पतला रखना है तो आप और दूध या फिर पालक वाला पानी ऐड कर सकते हैं, और अगर गाढ़ा रखना है तो आप कुछ मत ऐड कीजिए, उसको अच्छे से पका लीजिए तो अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। तो इतना गाढ़ा हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। थोड़ा आप पहले टेस्ट कर लीजिएगा, फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं इस तरह से स्पैचुला या बर्तन में आपको दिखने लगे, मतलब परफेक्ट गाढ़ा है आपका वाइट। अब इस स्टेज पर आपको ऐड कर देनी है अपने जो पार बॉइल करके रखा था पालक उसको, और उसके बाद ऐड कर लेंगे बॉइल किया हुआ कॉर्न यानी मकाई, और दोनों को डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मिक्स कर लेने के बाद अगर आप उसमें और अच्छी फ्लेवर के लिए ऐड करना चाहते हैं पिज़्ज़ा सीजनिंग तो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर मिक्सअप, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
तो थोड़ी सी मिक्स हर्ब एक छोटी चम्मच इतनी ऐड कर देंगे या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग और कर लेंगे अच्छे से इसको मिक्स। सो हमारी वाइट सॉस क्रीमी कॉर्न एंड स्पिनच बिल्कुल रेडी है। अब इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड, गार्लिक फ्लेवर की ब्रेड बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इसके साथ खाने में, तो चलिए वो बना लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे होल व्हीट आटा ब्रेड लिए थे जिसके मैंने स्लाइड कट कर लिए, अगर आप साइज कट करना नहीं चाहते तो आप बिना कट किए भी बना सकते हैं। तो अब इस पे लगाएंगे गार्लिक मिक्सचर, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रेटेड गार्लिक लिया है, 4-5 कलियाँ लहसुन की उसको ग्रेट करके ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बटर, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे बटर लिया था उसे ऐड करूंगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूंगी पिज़्ज़ा सीजनिंग या फिर मिक्स हर्ब, उसे ऐड कर देना है 1 छोटी चम्मच जितना उसको ऐड करना है। फिर एक बार इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और 1 छोटी चम्मच लास्ट में इसमें ऑयल ऐड करके मिक्स कर लेना है। हमारा गार्लिक मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब लेंगे एक पैन और उसे कर लेंगे थोड़ा सा गर्म और फिर इसके ऊपर ऐड कर देंगे हमारा जो गार्लिक वाला मिक्सचर हमने बनाया था उसको और अच्छे से फैला देंगे। और अब इस पर हमारे ब्रेड को सेक लेंगे, हल्का हल्का क्रिस्प सेकना है हमें। मैं यहाँ पर ले रही हूँ सेकने के लिए जो हमारे पास हम पाव भाजी वाला मैशर होता है उसकी हेल्प ले रही हूँ, उसे दबा दबा के अच्छे से मैं कड़क सेक लूँगी। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम दूसरे साइड भी लगा के सेक लेंगे। सो हमारा गार्लिक ब्रेड और क्रीमी कॉर्न स्पिनच दोनों ही रेडी है, चलिए उसे सर्व कर लेते हैं। सो रेडी है हमारी टेस्टी क्रीमी कॉर्न एंड स्पिनच विथ गार्लिक ब्रेड, है ना एकदम टेस्टी कॉम्बिनेशन। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ये और बनाना कितना आसान है आपने देखा ही। और साथ ही में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें पालक का इस्तेमाल किया जिसमें लॉट्स ऑफ आयरन प्रोटीन्स होते हैं, और हमने लिया है कॉर्न जिसमें कैल्शियम होता है, साथ में हमने सर्व किया है गार्लिक ब्रेड, तो हमने इसको पूरा हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही में फ्रेंड्स ऐसी और भी अमेजिंग रेसिपीज़ को देखने के लिए नियति किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकॉन पर भी, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की अच्छी अच्छी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे, आप हमारा वीडियो ऐसे देखते रहे और हमसे जुड़े रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड, मिलते हैं अगले इसी तरह की अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।